बरसात का मौसम अभी धीरे धीरे जाने वाला है, तो और बरसात के बाद छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं या एफिड्स होते हैं, माइट्स होते हैं, सुंडी होती हैं, वो सारे कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो वो नुकसान भी बहुत ज़्यादा करते हैं हमारे गार्डन में। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये खीरे का बेल है और बरसात की ही ये खीरे की बेल है। हमने लगभग इसको 1.5 महीना हो गया लगाए हुए, अभी जाकर इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, ये देखिए। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो करने की, जो छोटे छोटे कीड़े, सुंडी, माइट्स, इस तरह के एफिड्स, इस तरह के जो कीड़े, कीट पतंगे पैदा हो जाते हैं बरसात के बाद, वो हमारे जो गार्डन है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, और धीरे धीरे करके पौधा हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, ये आप देख भी रहे होंगे, ये देखिए सारे पत्ते लगभग खा लिए हैं और बिल्कुल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। इस पर हमने ध्यान नहीं दिया तो इस पौधे की सारी बिल्कुल जो ग्रोथ है वो रुक भी गई है, ये देखिए। तो इन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे कि इनको क्या दवाई इनको दी जाए, पौधों को, जिससे कि हमें इनसे जो एफिड्स हैं या माइट्स हैं उनसे छुटकारा मिल जाए, वो दवाई के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जितने भी सब्जी के पौधे हैं उनकी देखरेख के लिए खास ध्यान रखना पड़ता है बरसात में या बरसात के बाद। सारे नए नए जो कीट पतंगे हैं वो पैदा होकर फिर बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। ये तो मैं आपको बेल दिखा रहा हूँ अपनी खीरे की, ये देखिए, ये खीरे की बेल है। और इधर दिखाता हूँ एक और, ये हमारी तुरई की बेल है, ये देखिए। और इस पर भी वही चीज़ें, पीले हो गए हैं कुछ, और इन पर वाइट वाइट ये धब्बे भी देख रहे होंगे इधर, ये देखिए तोरी भी लग रही है। ये तो पुरानी बेल है हमारी, ये अभी नहीं लगाई हमने, इसको लगे हुए लगभग 4 महीने हो चुके हैं और अभी इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। इसमें अभी भी जो फ्रूटिंग है वो है, बनी हुई है, और साथ में ही फ्लावर भी आप देखिए, बड़ी मात्रा में, बहुत सारी अमाउंट में इस पर फ्लावर आ रहे हैं। और ये इधर आ गई है अब, ये देखिए छोटे छोटे इसमें फ्रूट अभी और भी आ रहे हैं, ये देखिए। तो हम रोकथाम की बात कर रहे थे कि कैसे रोकथाम की जाए, उसके लिए क्या करना है हमें। कई तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं। एक तो जो मट्ठा होता है, खट्टे वाला मट्ठा, 3-4 दिन पुराना, उसका स्प्रे भी लगातार हम करते रहेंगे 2-3 दिन के बाद, तो ये जो सारे कीट पतंगे हैं ये पौधे के ऊपर नहीं बैठेंगे, तो उसको नुकसान भी नहीं करेंगे। और एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको, और ये लकड़ी की जो राख है वो है, उपलो की कह सकते हैं या फिर लकड़ी की कहिए, उन दोनों की राख है, वुड ऐश है ये बिल्कुल बहुत अच्छा एक फर्टिलाइज़र भी होता है, एक एंटी फंगल भी होता है, और एक ग्रोथ बूस्टर भी होता है, बहुत सारे काम करती है राख, ये चमत्कारिक होती है। तो इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं इन सब चीज़ों को भगाने के लिए। इसका प्रयोग जो करेंगे वो सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग होता है, क्योंकि जब ओस पड़ी रहती है तो उसके ऊपर इसको छिड़केंगे तो पौधों के ऊपर ये एक जम जाती है, और जो अटैक वगैरह होते हैं इस तरह के माइट्स के या फिर कीट पतंगों के, वो नहीं होते, एक इसके लेयर्स बन जाती है, कवच के तरह से ये काम करती है फिर। तो अभी तो चूंकि दोपहर का समय है तो इसको मैं नहीं दूंगा, इसको मैं कल या परसों फिर दूंगा इन पौधों के ऊपर सारी। अभी मैं जो कर रहा हूँ वो एक मैं स्प्रे करूँगा, और स्प्रे में जो दो चीज़ें हम लेंगे वो दो चीज़ें क्या हैं, एक तो नीम ऑयल, 2 चम्मच नीम ऑयल लेंगे, और 1 चम्मच उसमें कोई भी डिटर्जेंट आप मिला लीजिए या सर्फ मिला लीजिए या लिक्विड सोप, जो भी उपलब्ध हो वो आप मिला सकते हैं। तो इनका एक 1 लीटर पानी लेंगे स्प्रे की बोतल में, और 2 चम्मच नीम ऑयल,
तो ये लिक्विड सोप है हमारे पास और नीम ऑयल है, तो इसमें जो हमारा स्प्रेयर है उसमें 1 लीटर पानी हम भर लेंगे और साथ में 2 चम्मच डाल लेते हैं नीम ऑयल की। तो ढक्कन से ही हम अंदाज़ा लगा के लगभग 2 चम्मच के आसपास इसमें नीम ऑयल डाल लेते हैं। ये 1 चम्मच हमारा लिक्विड सोप हो गया, ये फिर हैंड वॉश मान लीजिए आप, डिटर्जेंट कोई भी ले लीजिए। ये इनको अच्छी तरह मिक्स करना है, आप पानी में घोल लेना है अच्छी तरह से। तो इस तरह से आप इसका छिड़काव पूरे पौधे पर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो एक तो इन पे इन्फेक्शन है पत्तियों पर या वायरस है वो हट जाएगा, साथ में जो कीट पतंगे बैठेंगे वो भी, ये चूँकि नीम ऑयल कड़वा होता है तो उसके बाद इनका अटैक भी होने का खतरा थोड़ा कम रहता है। और नीम ऑयल अच्छे वाला लीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट है। आजकल मार्केट में पता नहीं कैसे कैसे आ रहे हैं, तो ऐसे स्प्रे आप कर दीजिए। और ये स्प्रे हमें दूसरे तीसरे दिन करते रहना है, ऐसा नहीं है कि एक बार स्प्रे कर दिया और बस काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होगा, दूसरे तीसरे दिन स्प्रे करने पड़ेगा तो इसका प्रभाव जो है वो अच्छे से रहेगा और जो पौधों की ग्रोथ है वो अच्छी बनी रहेगी, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग उसके बाद इनका रिजल्ट जो है वो अच्छा रहता है। आप भी, मैंने तो पहले ही किया हुआ है, मैं तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ ये। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।